हथनीकुंड बैराज को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की गई। अब आम आदमी पार्टी के दावे में कितना दम है, ग्राउंड लेवल पर आखिर सच्चाई क्या है, ये जानने की कोशिश की संवाददाता शिवांग माथुर ने। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि हरियाणा के यमुनानगर इलाके में जो ये हथनीकुंड बैराज है, यहाँ से इतनी ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा गया कि दिल्ली जलमग्न हो गई, दिल्ली पानी पानी हो गई, और ऐसे में आम दिल्ली वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बाढ़ आ गई है। जो आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये आरोपों की सच्चाई को टटोलने के लिए, समझने के लिए हम पहुंचे हैं यमुनानगर ज़िले के हथनीकुंड बैराज पे। इस वक्त हम मौजूद हैं हथनीकुंड बैराज पे, जहां ठीक इन दरवाज़ों को आप देख रहे हैं। बताया गया है अधिकारियों द्वारा कि इस हथनीकुंड बैराज पे करीब 32 दरवाज़े हैं। उस 32 दरवाज़ों में से ये जो सामने 18 दरवाज़ों को आप देख रहे हैं, ये वो दरवाज़े हैं जो इस नदी का पानी दिल्ली की ओर मोड़ देते हैं। सामने के अगर दरवाज़ों की बात की जाए तो वो दरवाज़े हरियाणा की ओर पानी को मोड़ते हैं, वो करीब 10 दरवाज़े हैं, और 4 दरवाज़े ऐसे हैं जो पानी ईस्टर्न कैनाल की ओर मोड़ते हैं, और वेस्टर्न कैनाल की ओर जो पानी जाता है वो पानी हरियाणा की ओर जाता है। ये जो 4 दरवाज़े आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईस्टर्न कैनाल की ओर पानी निकालते हैं जो आगे जाके उत्तर प्रदेश की ओर जाता है, और यही पानी किसानों की सिंचाई के लिए, खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक छोटी नहर है, लेकिन ये जो बड़ा विशाल स्वरूप आप इस नदी का देख रहे हैं, ये वो पानी है जो इस नदी के अंदर इस बैराज में हिमाचल की ओर से आ रहा है। जब भारी बारिश पहाड़ों में होती है तो यहीं से वो पानी होता हुआ हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ दिया जाता है। यहाँ पे माना गया है, जो CWC की जो रिपोर्ट है वो सीधे तौर पे ये बताती है कि अगर इस नदी में, इस बैराज में 1,00,000 क्यूसेक पानी आ जाता है तो उस स्थिति को बाढ़ की स्थिति घोषित कर दिया जाता है। यही हुआ 11 जुलाई को भी, जब 350,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी यहाँ से छोड़ा गया।